हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू डूइंग ऑल? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी प्रिटी प्रिटी सी साड़ीज। एंड मोस्टली इसमें सीक्वेंस साड़ीज रहने वाली है। एंड सारे के सारे अंडर रुपीज आपको 1000 मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है अमेजोन में भी बहुत ही अमेजिंग डील चल रही है, तो काफी अच्छे प्राइजेस में आपको मिल जाने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो के एंड तक बने रहे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहली साड़ी है हमारी ये बहुत ही प्यारी सी ब्लैक कलर की, बिल्कुल फेयरवेल एप्रोप्रिएट ये रहने वाली है। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नाइट पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, रिसेप्शन पार्टी वगैरह के लिए भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाली है। एंड गाइज, वेयर करने के बाद भी ना इतना प्रिटी इसका लुक आ रहा था, आप देख सकते हैं पूरा इस तरीके से ऑल ओवर सिक्वेन की ये ब्लैक कलर की साड़ी है। बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा था मेरे को, स्पेशली फेयरवेल पार्टी के लिए तो मेरे को बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट लगा। कुछ इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा, बॉर्डर भी काफी अच्छा है, मतलब एकदम से वो चीप लुकिंग वाला बॉर्डर नहीं है। एंड प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है, मतलब अंडर रुपीज 1000 में अगर आपको कुछ इस तरीके से फुल सीक्वेंस की साड़ी मिल रही है तो डेफिनेटली स्टील डील है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, मेरे को तो काफी पसंद आया। मैंने इसको अपने वेलवेट की ब्लाउज के साथ पेयर अप किया था एंड बहुत ही अच्छा सा लुक लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। नाइट पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट ही रहने वाला है, फेयरवेल पार्टी के लिए रहने वाला है। अगर आप कोई फेस्टिवल में भी, ये फेस्टिवल्स आने वाले हैं उसमें अगर आप वेयर करना चाहते हैं तो उसमें भी वेयर करने के लिए परफेक्ट रहने वाली है, कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं। एंड वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी मेरे को, पूरा फुल 5.5 मीटर की ये साड़ी है। एंड ब्लाउज आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, चंदेरी सॉर्ट ऑफ कपड़ा है इसका। एंड आपको इस तरीके से ये लेस की डिटेलिंग भी प्रोवाइड की गई है ताकि आप अपने स्लीव्स वगैरह में इसको लगा सको। बट मैंने तो अपने ही ब्लाउज के साथ इसको पेयर अप कर लिया था, एंड ब्लैक ब्लाउज तो सबके पास होता ही है तो आप उसके साथ पेयर अप कर सकते हो। तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई, डेफिनेटली अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस साड़ी में, जो कि एक रेडी टू वेयर साड़ी है। जब मैंने इसको ऑर्डर करवाया था ना, मेरे को पता नहीं था ये रेडी टू वेयर साड़ी आई है। एंड रेडी टू वेयर साड़ी आपको अंडर रुपीज 1000 मिल रही है तो डेफिनेटली एक स्टील डील रहने वाली है। एंड ये भी ना पूरा फुल सीक्वेंस का साड़ी है कुछ इस तरीके से। मैंने ज्यादातर आज की साड़ी ना सीक्वेंस वाली मंगाई है ताकि आगे फेस्टिवल वगैरह में, नाइट पार्टी वगैरह में भी, आपके वेडिंग में भी बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है। वेडिंग के लिए तो मेरे को बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, कुछ इस तरीके से ब्लिंगी ब्लिंगी सा पूरा वर्क मिल जाएगा। एंड फुल रेडी टू वेयर ये साड़ी है, इस तरीके से मिल जाएगा आपको प्लीट्स वगैरह बना हुआ। एंड जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने इसको ऑर्डर करवाया था ना, मेरे को नहीं पता था ये रेडी टू वेयर साड़ी आने वाली है। बट जब ये रेडी टू वेयर दिखी तो मैंने बोला चलो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया। वेट अ सेकेंड, मैं इसका प्लीट्स दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये है कुछ इस तरीके से प्लीट्स बनी हुई मिल जाएगी आपको आगे इस तरीके से। बस आपको इस तरीके से बेल्ट लगा के टक इन करना है, यहाँ पर हुक वगैरह लगा के कुछ इस तरीके से आप टक इन करोगे एंड यू आर गुड टू गो कुछ इस तरीके से। एंड इस तरीके से इसका प्लीट्स पूरा बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से ये साड़ी लग रही थी, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। एंड इसमें आपको ये इस तरीके से ब्लाउज का पीस मिल जाएगा, इस तरीके से प्लेन फैब्रिक का है पूरा कुछ इस तरीके से। तो मेरे को तो ये साड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, कलर भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। सीक्वेंस में ना ज्यादातर इस तरीके का कलर देखने को मेरे को नहीं मिलता है, तो मेरे को काफी पसंद आया, पीचीस सा काफी गर्लिश सा कलर है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी दिवाली भी आ रही है तो दिवाली में भी वेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है, बिकॉज दिवाली में तो पूरा इस तरीके से जगमग जगमग लाइट्स वगैरह जलती रहती है। एंड ये भी पूरा उसी टाइप का साड़ी है, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बिग 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 थम्स अप फ्रॉम माय साइड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी में, जो कि कुछ इस तरीके से सेज ग्रीन मेंट टाइप ऑफ ये साड़ी है, कुछ इस तरीके से लाइन सीक्वेंस वाली साड़ी है। अगेन फेयरवेल एप्रोप्रिएट, दिवाली एप्रोप्रिएट, फेस्टिव एप्रोप्रिएट, वेडिंग एप्रोप्रिएट, मतलब फुल पैसा वसूल ये साड़ी लगी मेरे को कुछ इस तरीके से। एंड ये ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब ये ना 1500 समथिंग का था जब मैंने पहले देखा था, बट अभी सेल में 1000 समथिंग का है, मतलब 1000 रुपीज का ही आप कंसिडर कर लो, ज्यादा अपना ही था इसका प्राइस। एंड ये ऐसे है कुछ इस तरीके से, ये रेडी टू वेयर नहीं है, आपको प्लीट्स वगैरह बनाना पड़ेगा, बट ये आराम से बन रहा था और काफी अच्छा भी है। पूरा इस तरीके से फुल आपको वर्क मिल जाने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही एप्रोप्रिएट ये साड़ी है, पैसा वसूल तो जैसे कि मैंने बोला ही आपको, क्योंकि इसके ब्लाउज में भी आपको फुल हैवी वर्क मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप प्रॉपर आगे से इस तरीके से पूरा सीक्वेंस का ब्लाउज मिलने वाला है। एंड बैक इन्होंने इसका प्लेन ही दिया है कुछ इस तरीके से, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। मैंने तो इसको पिंक कलर के ब्लाउज के साथ पहना था तो उसमें भी काफी अच्छा, मतलब पेस्टल कलर काफी अच्छा जा रहा था एंड काफी अच्छा लग रहा था। एंड बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपकी फेयरवेल पार्टी वगैरह है, इट्स मीट्स के लिए भी साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बिग 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 थम्स अप फ्रॉम माय साइड। सो
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि कुछ इस तरीके से मैंने सैटनी फिनिश में मंगाया है, कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा इसका फैब्रिक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सैटन का फैब्रिक है एंड बहुत ही प्रीमियम वाला लग रहा है, एकदम से वो चीप वाला सैटन नहीं लग रहा है, कुछ इस तरीके से है प्रॉपर इस साड़ी में ना लचक है एंड आप देख सकते हैं एंड में कुछ इस तरीके से राइनस्टोन की जो ये डिटेलिंग दी गई ना बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है एंड स्पेशली ये कलर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आप देख सकते हैं एकदम इतनी सॉफ्ट साड़ी है ना एंड बहुत ही अच्छे से ये बन रही थी तो मेरे को काफी पसंद आया। कुछ इस तरीके की ये साड़ी है, प्रॉपर आपको वर्क मिल जाने वाला है एंड ब्लाउज का पीस भी ना आपको इसी में मिल जाएगा, आपको कट करना पड़ेगा, अभी मैंने कट नहीं किया है, मैं दिखा देती हूँ। पूरे साड़ी में ऑल ओवर नीचे कुछ इस तरीके से सीक्वेंस का ये ब्लिंग ब्लिंग सा काम दिया गया है जो कि दिवाली में एकदम इसको पहन के आप ब्लिंग ब्लिंग करने वाले हो, फेयरवेल पार्टी में भी काफी अच्छा लगने वाला है, काफी डिसेंट सा है, स्पेशली ये कलर मेरे को बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा। कुछ इस तरीके का इसका ब्लाउज है, प्लेन मिल जाएगा ब्लाउज आपको सेम फैब्रिक का कुछ इस तरीके का एंड साड़ी बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है, वेयर करने के बाद काफी अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड आप देख सकते हैं पास से वर्क कुछ इस तरीके से राइनस्टोन का वर्क है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइट वेट है, पार्टी अप्रोप्रिएट है, वेडिंग अप्रोप्रिएट है, फेयरवेल अप्रोप्रिएट है, दिवाली अप्रोप्रिएट है, कुछ इस टाइप की साड़ी लाई हूं मैं जो आपकी एकदम नाइट पार्टीज स्पेशली नाइट पार्टीज में जाने वाला है बहुत ही अच्छे से, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को एंड प्राइस भी काफी रीजनेबल है एंड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, तो डेफिनेटली अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। मूविंग ऑन टू द लास्ट परचेज जो कि कुछ इस तरीके से प्रॉपर सेटन की साड़ी है एंड ये एक साड़ी है जो मैंने फ्लोरल प्रिंट में मंगाई है, बाकी साड़ी आपने देखा होगा सिक्विन का थोड़ा थोड़ा टच तो है ही बाकी साड़ी में एंड गाइज ये वाली साड़ी मेरे रेडी टू वेयर है, जब मैंने ऑर्डर करवाया ना मैंने ध्यान ही नहीं दिया बट रेडी टू वेयर है तो अच्छी बात है बहुत ही ज्यादा। कुछ इस तरीके से बेल्ट वाला मिल जाएगा आपको एंड इस तरीके से प्रॉपर प्लीट्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से एंड मेरी मम्मी इसको एक बार वेयर भी कर चुकी है, मैं फोटो यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी, काफी अच्छा लग रहा था, कुछ इस तरीके से है ये एंड इसका ना ब्लाउज का कपड़ा मैंने कहीं और रख दिया अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, कुछ इस तरीके से प्लेन फैब्रिक मिल जाएगा सेम इसी कलर का ब्लाउज का, तो आप इसका भी स्ट्रेच करवा सकते हो बट अगर आप इसको कॉन्ट्रास्ट में पिंक कलर के ब्लाउज के साथ पहनोगे तभी भी काफी अच्छा लगने वाला है, कुछ इस तरीके से फ्लोरल थीम है ये एंड ये तो आपका नाइट पार्टी एज वेल एज डे पार्टी दोनों में जाने वाला है एंड फेयरवेल वगैरह में भी ना काफी डिसेंट लगता है इस टाइप का, मेरे को काफी अच्छा लगा एंड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जैसे कि मैंने बताया जो सैटन है बहुत ही चीप वाला सैटन नहीं रहता है वो नहीं है ये एंड काफी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाने वाला है, पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है एंड कुछ इस तरीके से फ्लोरल थीम में आप पहनना चाहते हो क्योंकि आजकल इस तरीके से फ्लोरल थीम वाला भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। गाइज आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे तो मेक श्योर करें आप वहां से चेकआउट कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।